कुंभ और महाकुंभ की धरती प्रयागराज में 21 दिसंबर को मातृशक्ति का महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी परेड मैदान में प्रदेश भर से आई 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी संगम की धरती से महिलाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन का बड़ा संदेश देकर एक नई क्रांति की शुरुआत भी करेंगे। मातृशक्ति का ये महाकुंभ यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की बड़ी पहल मानी जा रही है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं प्रदेश के 75 जिलों से आ रही हैं, जिसमें अकेले प्रयागराज से 14,000 से ज़्यादा महिलाएं शामिल होंगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं में कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी, बीसी सखी योजना की लाभार्थी, कम्युनिटी सैनिटेशन की लाभार्थी, टेक होम राशन की लाभार्थी के साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं शामिल होंगी। इसमें से पीएम मोदी कुछ महिलाओं से अलग से मुलाकात भी कर सकते हैं। कमिश्नर संजय गोयल के मुताबिक पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी परेड मैदान पर महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। इन महिलाओं को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए 6,000 बसों का इंतजाम किया गया है। ये बसें परेड मैदान, केपी ग्राउंड और झूसी की तरफ मेला क्षेत्र में खड़ी कराई जाएंगी। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस कार्यक्रम में पीएम से मुलाकात करने वाली महिलाओं की सूची फाइनल की जा रही है। पीएम कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। संवाद मंच से ना होकर सीधे आमने सामने होगा, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जिन महिलाओं को पीएम से मिलने के लिए चयनित किया जाएगा उनके लिए विशेष टेंट लगेगा। डीआईजी के मुताबिक पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम के प्रोटोकॉल के तहत पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को लाने और ले जाने के लिए लगभग 6,000 बसों में भी हर बस में 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। महिलाओं को जिन गेस्ट हाउसों में रोका जाएगा वहां पर भी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। क्या तैयारियां की गई, क्या संदेश देने की कोशिश करी, कितनी महिलाएं प्रदेश भर से यहाँ जुटेंगी? के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर दिन, हर सवेरा, हर नए सुधार और लोगों के कल्याण के लिए होता है। देश और दुनिया के अंदर उन्होंने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। प्रयागराज से तीसरा प्रयाग की धरती से एक बड़ा संदेश जाने वाला है, जहाँ उत्तर प्रदेश की लगभग 3 लाख महिलाएं यहाँ पर आने वाली हैं, बहने वाली आ रही हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बीसी सखी बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए महिलाओं का नियुक्ति किया है सभी पंचायतों में, अब पंचायत के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा, उनके गाँव में ही उनको बैंक की सुविधा मिलेगी। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और उसके बाद एनआरएलएम की बहनों को जिस तरीके से समायोजित करके स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, आत्मनिर्भर भारत बने और आत्मनिर्भर महिलाएं बने, आत्मनिर्भर देश की उत्थान और प्रगति में नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, इन सब दृष्टियों से महिलाओं के लिए बहुत क्रांतिकारी काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, भारत सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति चलाया, उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उसी में उत्तर प्रदेश की लगभग 3 लाख महिलाएं यहां पर आ रही, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। और इसके साथ साथ बड़ी बात है कि उन महिलाओं के खाते में सीधे जो बहनों को स्वयं सहायता समूह की सहायता की राशि मिलती है वो भी उसमें दी जाएगी और बहुत सारे बहनों का सम्मान भी किया जाएगा। चुनाव को लेकर क्या है यहाँ पर, कोविड टेस्ट कराया जा रहा है और खासतौर पर बड़ी जो संख्या में महिला शिक्षकों को भी लगाया गया है, तो यहाँ पर कोविड टेस्ट कराया जा रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं जो नोडल बनाए गए उनको अभी यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, जैसा कि आप जानते हैं महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम है और 2.5 लाख के करीब महिला लाभार्थी आ रही हैं। तो हमारे यहाँ जो विभिन्न ब्लॉक्स बने हुए हैं, लाभार्थियों के ब्लॉक्स बने हुए हैं, यहाँ बैठाने के लिए महिलाओं को सुव्यवस्थित रूप से सुविधाजनक ढंग से बैठाने के लिए हम लोगों ने महिला कार्मिकों की ड्यूटी लगाई है। लगभग हर 100 महिला लाभार्थी पर एक अध्यापिका लगी है,
हर 500 पे एक नोडल शिक्षक को लगाया गया है और हर ब्लॉक के लिए हमने एक इंचार्ज सुपर नोडल बनाया हुआ है। इसके अलावा हमारी 3 महिला खंड शिक्षा अधिकारी, महिलाओं से जुड़ा कार्यक्रम होने से खंड शिक्षा अधिकारी हड़िया श्रीमती श्री ममता सरकार जी हैं और खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र प्रज्ञा सिंह हैं, खंड शिक्षा अधिकारी मऊ आईमा किरण यादव जी हैं, उनको हमने लगवाया है। इसके अलावा हमारी रंगोली की टीम भी लगी हुई है जो कि विभिन्न स्तरों पे अपना रंगोली का काम देख रही है। पार्किंग में भी हमारे टीचर्स लगे हुए हैं और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी हमारे इस महायज्ञ में लगे हुए हैं। इस बड़ी व्यवस्था में सारे खंड शिक्षा अधिकारी लगे हुए हैं क्योंकि कोविड का संक्रमण बीच में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हम लोग इसका पूर्णतः अनुपालन कर रहे हैं। कल सारे अध्यापक अध्यापिकाएँ सारे अधिकारी फुली मास्क में रहेंगे। आज चूँकि अभी हम लोगों ने कराया तो इस समय मेरा मास्क उतरा हुआ है। सारे लोग इसमें रहेंगे, कोविड प्रोटोकॉल फुली फॉलो करना है और ग्रोथ सर्किल ग्रुप में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए सारे कार्मिकों का हमने ये व्यवस्था की है कि जितने भी लोग आगे फ्रंट पे हैं, फ्रंटलाइनर हैं, सबको हम कोविड का टेस्ट करा रहे हैं।